हम खैना जीना हमारा यही छे और काम करने को पचास हजार लेबर काम करता है डेली दिन भर में। हर जना आता है इधर से, हर जना आता है, हर स्टेट से आदमी आता है, रहने को सैनिटी नहीं है यहाँ, खाने को रहने को हर चीज का इन लोगों की भी तकलीफ देखना। हमारे को कोर्ट क्या ऑर्डर दे पाले, 10,000 फैमिली जो है ना रोड पे बैठे हुए, कोई खाने को नहीं है, लेबर जो है ना लेबर ही काम पे जा रहा, वो भी काम नहीं मिल रहा, चली टाचर करे हम लोग क्या देंगे साहब बोलो। तो भाई इधर संतरा है, सेब है, उधर भी देखो सेब के पेटियां पूरे सड़ गए, ग्यारह साल का खाब है कहते एमएलए साहब का विचारों का, वो खाब के लिए लोगों को रोड पे लाने की कोशिश कर रहे हैं, ड्रीम है, होने वाला नहीं है। अगर उतनी ही हमदर्दी उनको सरकार से है तो हमारे को यहाँ की जैसी मार्केट है वहाँ बना के दे दो, हम चले जाते, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आपका खाब पूरा कर लो, पर रहने को जमीन नहीं है, आप रोड पे बैठने को कुछ भी नहीं है, ना कोई फैसिलिटीज नहीं है हमारे व्यापारियों को पैसा लाने ले जाने के लिए, अगर उनको रॉबरी कर कोई पैसा लेके गया तो जिम्मेदार कौन है, केसीआर है या एमएलए है या के चेयरमैन है, ले आजा हर एशिया की फर्स्ट मार्केट बना के देते बोले, कहाँ दिए एशिया की फर्स्ट मार्केट भी नहीं है ये, पहले वहाँ पे मार्केट भेजी, ओपन बोल रहे हमारा मेरा 11 साल का ड्रीम है, ओपन बोल रहे मत समझना, आज का पहला दिन है, ये कंटिन्यू चलता रहेगा और इंशाल्लाह ताला जब तक हमको कोर्ट पे भरोसा है कोर्ट हमारे साथ इंसाफ करेगा। फिर एक बार यही कर रहे हैं कोर्ट के हाई कोर्ट चीफ जस्टिस से अपील करता हूं कि कोतापेट मार्केट में नजर डालें और जहां हमारा पद बेच पे केस चलने वाला है हमारे को कमीशन अपॉइंट कीजिए साहब, जुडिशियल इंक्वायरी, बस इंक्वायरी जब तक नहीं हमारे इंसाफ के लिए कोर्ट, और उसके बाद ये लोगों के ऊपर यहां के चेयरमैन कमेटी जो भी है इन लोगों के ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लगाना, इसीलिए लगाना 30 तारीख तक हमारे को टाइम दिया कोर्ट और ये लोग 25 तारीख से नोटिस आने लगा, 5 दिन पहले कोर्ट के अगेंस्ट गए, गेट बंद कर दिया, माला सड़ गए, लिहाजा इन लोगों को क्रिमिनल चार्जेस लगा के जेल को पहले इन लोगों को भेजाना और हमारे नुकसान की भरपाई कौन है, और हमारे मार्केट के लोगों को छोटे व्यापारियों को लोन देना जिसमें 50% सब्सिडी होगी, ये होना जरूरी है, अगर वो उनको एमएलए रेट साहब को अगर इंटरेस्ट है करने का है तो हमारे को बना के जाओ, चले जाने में कोई जरूरत नहीं है, अगर हमारे को कोर्ट बोलता है तो जाएंगे इंशाल्लाह, कोई गम की बात नहीं है, कानून हमारे साथ है, मगर हम कानून को ये सच दिखाना चाह रहे हैं, जो सच है वो देखो, ये चोरों के बातों में मिसगाइड कर रहे हैं, करोड़ों रुपए की मार्केट का स्कैम हो रहा है, करोड़ों रुपए जो आवाम से ले रहे हैं वो कहाँ जा रहा है, वहाँ पर एक खाली बोर डालने के लिए 11 लाख रुपए का एस्टिमेट बना जबकि 50 से 60 हजार रुपए में 400 फीट बोर पड़ता, मालूम है ये बजा मार्केट के नाम पे करोड़ों रुपए का स्कैम हो रहा, और ये स्कैम को भी सामने लाओ, ये स्कैम को सामने लाओ, सब हो रहा, ये सब एक पॉलिसी है लोगों की, बस हम जब तक मार्केट यहाँ से नहीं बना के नहीं देंगे हम नहीं जाने वाले, ये रोज का ऐसी होगा, आज कल परसों 30 दिन चलेगा, 3 दिन चलेगा, उसके बाद यहाँ धरनेबाजी चली गई, धरने पे बैठते तुम कितने लोगों को उठाते, उठाओ हम भी तैयार है, और ये पद्माशा को क्या जरूरत है, एक मामूली चेयरमैन है, वो चेयरमैन का क्या पावर है, उसको क्या राइट है, कोर्ट के अगेंस्ट के बाद नोटिस लगा थी, धोखा दे रही है, कुछ भी होने वाला नहीं है, उसके ऊपर वो लेडी के ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लगाना बहुत जरूरी है, मेंटली हम जाने वाले नहीं है, तुम ये 4 मिलिट्री वालों को पुलिस वालों को लगा तो जाने वाले समझ रहे, तुम लगा हम जाने वाले नहीं है, मिलिट्री वाले भी नहीं थे, वो मिलिट्री वाले भी पुलिस वालों का ट्रस्ट बन के आए हुए, हाँ याद रखो, 3 दिन के बाद में यहाँ पर धरनेबाजी चलेगी और हर वो पॉलिटिकल पार्टी यहाँ दिखेंगे, अब हम बताएंगे आपको, और रुकने वाला पर नहीं है, भी कुमार है जॉइंट एक्शन कमेटी का कन्वीनर हूँ, और हमारे को जो है मार्केट जो है ना 1986 में गड्डे नारम शिफ्ट करे, वो ये बेसिक पे है कि और 2 साल में परमिनेंट बना के देते बोल के हमको छेड़ा दिए, आज तक के जो है ना कोई भी परमिनेंट बनाए नहीं, जो पहला 86 में दिए वही पोजीशन पे है, और उसके बाद में कईयों साल जो है ऐसे टालने के बाद रिसेंट में 2 साल के 1 साल पहले हमारे को लाइसेंस रोक दिए थे रिन्यूअल नहीं करके, रोकने के बाद में फिर 1 साल टाइम पास करके फिर एक नया अग्रीमेंट करे हमारे से, अग्रीमेंट करके क्या करे, जब तक के कोहेड़ा में परमिनेंट सॉल्यूशंस नहीं पैदा करते जब तक के आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं करते, वो यहाँ से वहाँ ले जाके जो है ना डिस्टर्ब नहीं करते बोल के अभी ज़बरदस्ती हमारे को यहाँ से हटाने के चक्कर में पुलिस वालों को ला के एंट्री बंद करना ऐसा काम कर दिए सोए। रिसेंटली और एक बात क्या, 2 दिन पहले भी कोयडा जाके जो है ना बाटा सिंगारम का नाम आ गया, पहले से बाटा सिंगारम का नाम कभी भी नहीं है जी, गड्डेनारम से कोयडा को शिफ्ट करेंगे वहाँ परमिनेंट बनाने के बाद ही आपको वहाँ शिफ्ट करेंगे बोल के बोले, अब वो भी चले गया ये भी चले गया बाटा सिंगारम में जा रहे हैं, बाटा सिंगारम जाने के बाद में वहाँ पे ये कोई भी सहूलत नहीं है,
एक एक दुकान में दो दो तीन तीन बाथरूम आए, आसामिया सोने के वास्ते रूमा अलग है, हाला अलग है, पूरे सहूलत आए, दुकान के मुंशिया बैठ के हिसाब करने के लिए सहूलत है। वहाँ गया तो काली जो है ना एक बड़ा शेड है, तीन शेड बड़ा ऊंचा एकदम, तो उसमें क्या करे, एक शेड के अंदर 140 या 50 लोगों को वहाँ पे लकीरा खींच के, वो दो आदमी अगर समझो गुजर गए तो वहाँ कबर बना सकते, उतनी ही जगह है, ज़्यादा जगह है नहीं। और कोर्ट को भी जो है ना डिपार्टमेंट मिसलीड कर रहा, यहाँ फैसिलिटी दिए बोल के कोर्ट को भी मिसलीड कर रहा, ये कहाँ तक मुनासिब है? हम लोग तो जूता बोलना है, कोर्ट में भी बोल दिए कि यहाँ पे फैसिलिटी नहीं है, इसके ऊपर एक कमीशन को बिठा के जो है ना ऑफिसरों के ऊपर करना है। और कोर्ट जो है ना हमारे को 30 दिन का टाइम दिया यहाँ से वहाँ शिफ्ट करने के वास्ते, केस हम लोग सिंगल बेंच पे हमारे फेवर में नहीं आए, अपील में डबल बेंच को गए, डबल बेंच में केस जब तक है हमारे ऊपर कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए कोर्ट के रूल्स के हिसाब से। ये लोग क्या करे, 30 तारीख तक हमारे को टाइम है, 25 तारीख से मार्केट का एंट्री बंद कर दिए, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, और बंद करके जो है ना माला नहीं मंगाएंगे, प्लेटफॉर्म पे दुनिया का माल पड़ा हुआ है, बेचने का मौका नहीं है, फिर लोग फुकड़ को मर जाते माल नहीं बेचे तो। और जो है ना यहाँ पे जो HGS है पर्सन इंचार्ज पद्मार्चा, कोर्ट को भी जो है ना मिसलीड करे सर का हमारे को महसूस हो रहा, जो है हम हकीकत बोल रहे हैं। इसमें जो है ना कोर्ट को भी जो है ना हम लोग का कंप्लेंट दिए थे, एडिशनल जनरल को एडवोकेट जनरल को बुलाए, और पद्मार्चा को जज साहब भी जो है ना कॉल फॉर करे उनको, वहाँ आगे रिपोर्ट दो, हमारे को मिसलीड करे सर का महसूस हो रहा, कंप्लेंट भी आया, उसके ऊपर गौर करेंगे बोल के बोले थे। डिमांड क्या है साहब, कोयड़ा लेके जाते बोले, कोयड़ा में हमारे को जो है ना इम्यूनिटीज फिट करके दिए तो हम शिफ्ट होने को राजी है, कभी भी हम लोग जो है ना नहीं जाते बोल के नहीं बोले, मगर वहाँ फैसिलिटी नहीं है, वहाँ कुछ भी नहीं है।